नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। पहले पत्नी के बेटे को रुपयों का लालच था, तो तीसरी पत्नी को सरकारी नौकरी और प्रेमी के साथ ऐश की चाहत थी। दोनों ने मिलकर रेलवे कर्मचारी के कत्ल की खौफनाक साजिश रची, लेकिन षड्यंत्र की आड़ में पत्नी ने एक तीर से दो शिकार की चाल चली थी। सौतेले बेटे को पति की हत्या में फंसाकर वो खुद बच निकलना चाहती थी, लेकिन जुर्म की आग ऐसी लगी कि वो खुद भी झुलस गई। क्राइम कंट्रोल में आज हम सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर से पर्दा उठाएंगे। लालच में इंसान इस कदर अंधा हो जाता है कि रिश्तों का खून करने से भी पीछे नहीं हटता। बेटे को रुपयों का लालच था, तो पत्नी को सरकारी नौकरी और प्रेमी के साथ ऐश की जिंदगी गुजारने की चाहत थी। दोनों ने मिलकर खौफनाक साजिश रची थी, लेकिन पति के साथ पत्नी और मासूम बच्ची भी साजिश का शिकार बन गई। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का खुलासा किया तो हर कोई सन्न रह गया। पत्नी जब मर्डर कर दिया उसने, जब मैंने साथ दिया तो फिर उसने वो चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, तो मैंने ये मुझे फंसवा देगी और अकेले बच के निकल जाएगी, इसलिए फिर मैंने उसे बाहर करा तो बच्ची को नावे कर दिया। गिरफ्त में खड़ा ये युवक खुद ही अपनी हैवानियत का सच बयां कर रहा है। रुपयों के लालच में ये इस कदर अंधा हो गया कि इसने अपने पिता का ही कत्ल कर दिया। फिर कानून के फंदे से बचने के लिए आरोपी ने सौतेली माँ और मासूम बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया। ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने के बाद घर में आग लगाकर आरोपी फरार हो गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो ऐसी हैरान कर देने वाली साजिश सामने आई कि रोंगटे खड़े हो गए। इरादा नहीं था, इरादा उनने मुझे भड़काया समझाया और कहा डॉक्टर को मार दो तो मैं पैसा दे दूंगी तुम्हें 10 लाख रुपए और नौकरी और पेंशन मैं ले लूँगी, मैं अपने यार के पास चली जाऊँगी तो अपने घर चले आना। ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात दिबियापुर थाना इलाके की है। रेलवे कर्मचारी नौशे और उसकी पत्नी के साथ मासूम बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। नौशे ने 3 शादियां की थी, लिहाजा हत्याकांड में करीबियों का ही हाथ होने का शक था। पुलिस ने उसकी पहली पत्नी और उसके बेटे मोहम्मद अली से कड़ाई से पूछताछ की तो खूनी साजिश बेनकाब हो गई। पहली वाली पत्नी के 4 बेटे और 1 बेटियां, उसके बाद दूसरी शादी किया था वो छोड़ करके चली गई थी, तीसरी शादी इन्होंने बिहार में किया था जिसकी यहाँ हत्या हो गई थी। तो हम लोगों ने फिर अपनी टीमें लगाई और पहली वाली पत्नी से और उनका लड़का एक मोहम्मद अली है दोनों से पूछताछ अलग अलग किया। दोनों पूछताछ से कंट्राडिक्शन पाया गया, फिर जब मोहम्मद अली से उस कंट्राडिक्शन के बारे में हम लोगों ने वेरिफिकेशन मांगा तो उसने सब कबूल कर लिया। आरोपी मोहम्मद अली का कहना है कि पिता नौशे की हत्या की साजिश सौतेली मां आसमीन ने रची थी। पति की हत्या करवाकर वो मृतक आश्रित के तहत नौकरी और पेंशन पाना चाहती थी, क्योंकि 3 महीने बाद ही नौशे रिटायर होने वाला था। आरोप है कि आसमीन अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए 10 लाख रुपए का लालच देकर साजिश में सौतेले बेटे मोहम्मद अली को भी शामिल कर लिया। बताया ये कि जो तीसरी पत्नी थी जिसकी हत्या किया है उससे इन्होंने बात कर लिया था और ये तय किया था कि इसकी हत्या कर दिया जाए तो पैसा उसको मिल जाएगा और इसको मृतक आश्रित की नौकरी मिल जाएगी। तो ये परसों जो है गुमती एक्सप्रेस से आया 7:30 बजे करीब दिव्यापुर में उतरा, फिर उनके घर गया। योजना के तहत मोहम्मद अली रात में पिता के घर आया। रात करीब 12 बजे आसमीन के साथ मिलकर उसने चाकू से गोद कर नौशे की हत्या कर दी, लेकिन इसके बाद यास्मीन शोर मचाते हुए बाहर भागने लगी। दरअसल उसकी प्लानिंग अली को फंसाकर खुद
बच निकलने की थी, लेकिन उसकी ये साजिश नाकाम हो गई, क्योंकि फंसने के डर से अली ने उसे भी चाकू से गोद डाला। बाद में उसने बच्ची की भी हत्या कर दी और घर में आग लगाकर फरार हो गया। उसने उस महिला के साथ मिलकर के पहले नौसे की हत्या कर दी। जब नौसे की हत्या हो गई तो वो आसमीन जो है घबरा गई, घबरा करके बच्चे को लेकर बाहर भागने का प्रयास किया, तो बाहर वाले कमरे में उसको महिला को पकड़ करके इसने मार दिया। जब उसको चाकू मारा तो भाग करके फिर कमरे में गई, फिर वहाँ पर इसको मार दिया और फिर बच्ची को उसने वहीं मार करके बाद में आग लगा करके वो अवध एक्सप्रेस से 3:30 बजे फिर फिरोजाबाद के लिए चला गया। रात में ही ट्रेन पकड़कर आरोपी मोहम्मद अली घर पहुंच गया था, लेकिन पुलिस की पूछताछ में वो टूट गया और उसने सच उगल दिया। सरकारी नौकरी और प्रेमी की चाहत में बीवी ने खूनी साजिश रची तो रुपयों के लालच में बेटा ही कातिल बन गया। रिश्तों में उलझे हत्याकांड का सच हैरान कर देने वाला है। क्राइम कंट्रोल के लिए औरैया से अश्विनी वाजपेयी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद में यारों से यारी ही युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गई। कुछ दोस्तों ने रात में उसे फोन कर घर से बुलाया और गोली मारकर हत्या कर दी। मोबाइल सर्विलांस और कॉल डिटेल के जरिए पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रेम प्रसंग के चलते युवक को मौत के घाट उतारा गया था। जिन दोस्तों पर वो खुद से ज्यादा भरोसा करता था, जिनके साथ घूमता फिरता था, उन्होंने ही उसे मौत के घाट उतारा। लेकिन दगाबाज दोस्त कानून के फंदे से ज्यादा दिन तक नहीं बच सके। पुलिस ने 4 दिन में ही हत्याकांड का खुलासा कर शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। युवक देर शाम अपने घर में खाना खा रहा था, तभी दोस्तों ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया। युवक मिलने गया लेकिन वापस नहीं लौटा। आरोपियों ने उसे गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सर्विलांस और कॉल डिटेल्स के जरिए पुलिस ने 4 दिन के अंदर ही 5 आरोपी दोस्तों को पकड़ लिया है। मुझसे तो ये पड़ोसी आकर कहा एकदम के नेताजी तुम्हारे लौटे तो गोली मार दी, वहाँ पड़ा है नाली में पड़ा पीछे। मैं और उसकी अम्मी दोनों को भाग के गए, जाके देखा तो महिला लौटा तो पड़ा था, उसके मुंह से खून आ गया था, कानों से खून आ गया था, वह इतना वो कर दिया था। बस ये देखा मैंने, उसके बाद कुछ नहीं देखा। मुझे मानने वालों को पता नहीं कौन से कौन रंजिश किसी से नहीं थी, यार थे, यार आना था, यार ही ले गए। हत्या की वारदात थाना ठाकुर द्वारा इलाके के सुल्तानपुर गांव की है। 3 दिन पहले यहां बीएससी के छात्र नावेद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित परिवार के आंसू नहीं थम रहे थे। हर कोई हैरान था क्योंकि परिवार के किसी से कोई रंजिश नहीं थी। तफ्तीश में जुटी पुलिस ने खूनी साजिश का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। करीबी दोस्तों ने ही उसकी जिंदगी छीन ली। यार ही ले गए यार को, पैसे ले लिए थे मेरे लौटे से, पैसे ली थी अन्न, पैसे मांगे थे उसने। मैंने नोटबंदी जब हुई थी तो आपने 20,000 रुपए उसके खाते में डलवा दिए थे उसकी अम्मी ने। जब कुछ दिनों हुए थे पैसे लाते निकाल के बोली अम्मी भीड़ हो रही है, मैं ला दूंगा, वही बहाने बंदी लेता रहा। अब 2-3 दिन थे उसकी अम्मी ज्यादा सीट थी उसके कि बेटे मेरे पैसे चला निकाल के, मुझे जरूरत है। तो उसने उससे कहा होगा कि भैया मुझे पैसे दे, मुझे जरूरत है, वो पैसे के ऊपर उसने। नावेद के पिता बेटे की हत्या के पीछे रुपयों के लेन देन का विवाद बता रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपियों ने बेटे से रुपए उधार ले रखे थे, जबकि पुलिस हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग को वजह मान रही है। पुलिस का कहना है कि नावेद के कई लड़कियों से संबंध थे, जिसके चलते दोस्तों के जरिए घर से बुलाकर उसे
गोली मारी गई। गांव में नावेद नाम के एक करीब 20-22 साल के युवक की हत्या हो गई थी गोली मारकर, उसके घर के पीछे ये गली में। और उसके जो भी मोबाइल हैं और जो भी गतिविधियां रही, मौके का जो निरीक्षण किया गया उससे प्रतीत हुआ कि ये बहुत ही करीब का कोई है इसका साथी जिसने इस घटना को कारित किया है। नावेद के कत्ल की साजिश आसिफ ने चार दोस्तों के साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद कर लिया है। पुलिस को वो मोबाइल भी मिल गया है जिससे उन्होंने फोन कर नावेद को बुलाया था। साक्ष्यों के संकलन के दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि जो मृतक है वो उसके कई अफेयर चल रहे हैं, और इस पे जब फोकस किया गया तो तथ्य निकल के आया जिसके आधार पर 5 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनके आसिफ, नासिर, असलम और सुमित और इसका एक और साथी है योगेश, इनकी गिरफ्तारी की गई। घटना में प्रयुक्त असलाह भी मिल गया है, उसके साथ कारतूस भी है। छात्र की हत्या की वारदात हैरान करने वाली है। इश्कबाजी ने एक युवक की जिंदगी छीन ली, दोस्त ही उसके दुश्मन बन गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बागपत में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्यारे उसकी लाश को घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। सुबह घर वालों ने उसकी लाश देखी तो सनसनी फैल गई। युवक मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर उसकी हत्या किसने और क्यों की, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। घर में हर तरफ मातम पसरा हुआ है, आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। वजह है जवान बेटे की हत्या। युवक रात में भट्ठे में मजदूरी करने गया था, लेकिन सुबह घर के बाहर उसकी लाश बरामद हुई। बेरहमी से लाठी डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या की गई थी। युवक की लाश देखकर गांव में कोहराम मच गया। घर वालों का कहना है कि शाम को किसी ने फोन करके उसे बुलाया था, रात में अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी। आज जो 11 बजे किसी की कॉल आई इसके पास, तो जैसे हमने सुबह ही देखा तो हमें मरे आम इंसान इंसान थे जो उसके मैड मूड थे, हमने तुरंत पुलिस पीट पीट के हत्या हत्या कर रखी थी। इंसान इंसान है सब से रखते थे। अच्छा, तो किसी पे शक है आपको? नहीं, भी शक तो किसी पे है। तहरीर दे दी आपने? वारदात कोतवाली बड़ौत के जलालपुर गांव की है। यहां रहने वाला युवक साजिद की लाश उसके घर में पड़ी मिली। शरीर पर चोट के निशान से साफ था कि पीट पीट कर उसकी हत्या की गई है। साजिद ईंट के भट्ठे में मजदूरी करता था। उसकी हत्या किसने और क्यों की, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। कौन से काम का मामला है? काम की घटना है, और इसमें कार्रवाई। हत्या की खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर वारदात की जांच में जुट गई। भट्ठे में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वारदात का जल्द खुलासा कर आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। क्राइम कंट्रोल के लिए बागपत से मनुदेव उपाध्याय, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। फिरोजाबाद में मामूली विवाद में एक युवक ने साथी को गोली मार दी। गंभीर रूप से जख्मी युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत खराब होने पर उसे मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर करना पड़ा। आरोपी से युवक का क्या विवाद हुआ यह किसी को नहीं पता। घर वालों का कहना है कि एक दिन पहले भी आरोपी ने मारपीट की थी।
ट्रॉमा सेंटर में भर्ती इस युवक की हालत गंभीर है। मामूली विवाद में इसे गोली मार दी गई। अस्पताल पहुंची पुलिस घायल युवक से पूछताछ में जुटी है। प्राथमिक इलाज देकर डॉक्टरों ने इसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। युवक को गोली किसने और क्यों मारी, इन सवालों की तहकीकात जारी है। घर वालों के मुताबिक युवक अपने खेत में था, वहीं पर उसे निशाना बनाया गया। गोली मारने का आरोप गांव के ही एक शख्स पर है, जो वारदात के बाद से ही फरार है। हमारे भाई के साथ गोली मारी मिंत्राज ने। क्यों मारी है? हमें पता नहीं सर, नहीं पता है वो। भाई ने बताया आपके? हमें भाई ने, ये 100 नंबर की गाड़ी गई तब मुझे पता चला। तो कहाँ थे, किस जगह पे गोली मारी गई? हार में थे। क्या वहाँ पे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। क्या वो बैठे मतलब साथ में थे जिनने गोली मारी है? नहीं, अकेले थे सर। गोलीकांड की वारदात नगला खंगर इलाके की है। युवक अपने खेतों की तरफ गया था, वहीं पर मितराज नाम के शख्स ने उसे गोली मार दी। कुछ दिन पहले भी आरोपी मितराज से युवक का विवाद हुआ था। आरोपी उसे अक्सर परेशान करता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामूली विवाद इस हद तक पहुंच जाएगा। उन्होंने घर पर भी मारा था, फिर हार में आए, फिर हार में मार दी। पहले घर में पिटाई लगाई थी? हाँ। तो वहाँ पे भी मार लगा? हाँ। पे गोली मार दी? हाँ, जाकर गोली मार दी। तो ऐसी क्या तो दुश्मनी है उनसे पहले से? नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं है। तो कोई बात हुई थी दोनों के बीच में? लड़ाई झगड़ा हुआ होगा सर, नहीं पता है। गोलीकांड की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और एम्बुलेंस बुलाकर घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। युवक से पूछताछ कर पुलिस वारदात की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी मितराज दबंग है। सुबह उसने युवक को घर में पीटा भी था, फिर शाम को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस गोलीकांड की वजह तलाशने में जुटी हुई है। का कहना है कि गांव में मिंत्राज यादव था, उसने गोली मारी है। पहले भी इसको परेशान करते रहा और दिन में किसी बात पे विवाद हुआ था और उसने उसको गोली मार दी है। तो इसका फिलहाल यहाँ इलाज हुआ, रेफर किया गया आगरा, तो वहाँ इलाज होगा, बेहतर इलाज होगा और वो बच जाएगा। बाकी इन्होंने जो बताया है तो मिंत्राज की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और कार्रवाई आगे की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच पहले भी झगड़ा हो चुका है। घर वाले मामूली विवाद बता रहे हैं, लेकिन झगड़े की असल वजह आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सामने आएगी। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है। क्राइम कंट्रोल के लिए फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यूपी में बेखौफ अपराधियों के सामने पुलिस बेबस है। 24 घंटे के गश्त के दावों के बावजूद चोर बड़ी साजिश को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। हापुड़ में चोरों ने एक बैंक को निशाना बना डाला और कीमती सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए। सुबह बैंक कर्मियों ने बैंक खोला तो चोरों की साजिश का पता चला। गनीमत रही कि चोर कैश तक नहीं पहुंच पाए थे। बैंक के अंदर चोरी की घटना से सनसनी फैली हुई है। हाईवे के किनारे स्थित बैंक में घुसकर चोर कीमती सामान ले उड़े और किसी को भनक तक नहीं लगी। जबकि हाईवे पर 24 घंटे ट्रैफिक रहता है और पुलिस भी गश्त करती है। खिड़की का ग्रिल तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए और कैश तक पहुंचने की कोशिश में जुट गए। लेकिन आरोपी जब अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए तो प्रिंटर, सीसीटीवी का DVR और सर्वर ही उठा ले गए। सर्वर का सर कुछ ले गए हैं, प्रिंटर ले गए हैं, बाकी कैश वगैरह तो सब ठीक है। हाँ, कीमती सामान तो मैं सर्वर होता है ना, हाँ सर्वर जिससे ब्रांच चलता है वो ले गए हैं। कैमरा रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो भी ले गए हैं, जो मेन ब्रांच सर्वर होता है उसी को ले गए हैं, तो ब्रांच अभी कर नहीं पाए।
चोरी की वारदात पिलखुआ कोतवाली इलाके के निजामपुर हाईवे की। NH-24 पर ही इंडियन बैंक की ब्रांच है। बैंक में रात में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता, इसी का फायदा उठाकर चोरों ने बड़ा हाथ मारने की साजिश रच डाली। अगले दिन सुबह बैंक कर्मियों ने बैंक खोला तो सन्न रह गए। जब कुछ मिला नहीं तो वो लोग अपना सबूत मिटाने के लिए साथ ले गए होंगे। ये कैश वगैरह कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ठीक है, सब ठीक है। बैंक कर्मियों के मुताबिक प्रिंटर, सर्वर और सीसीटीवी का डीवीआर गायब है। सर्वर चोरी होने से बैंक का काम ठप हो गया। आशंका है कि चोर आसपास के इलाकों के ही रहने वाले हैं, जिन्हें बैंक के बारे में पूरी जानकारी थी। कैश लॉकर नहीं तोड़ पाने पर आरोपी सामान और कुछ कागजात लेकर ही फरार हो गए। इंडियन बैंक है, निजामपुर के आसपास स्थित है। इसमें खिड़की ग्रिल काट करके चोरी का प्रयास किया गया। इस पे एक प्रिंटर और सीसीटीवी कैमरा चोरी हुआ। FIR थाना पिलखुआ पे दर्ज हुई और चोरों की तलाश की जा रही है। सर, क्या कोई पैसा भी बैंक से ले गया था? नहीं, अभी तक की सूचना को कोई पैसा जाने की सूचना नहीं है। बैंक से कैश नहीं जाने से पुलिस ने चैन की सांस ली है, लेकिन जिस तरह से चोर बैंक के अंदर दाखिल हुए उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। हाईवे पर गश्त के बावजूद आखिर पुलिस को चोरों की भनक क्यों नहीं लगी? फिलहाल पुलिस मामले की जांच और चोरों की धरपकड़ में जुट गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए हापुड़ के पिलखुआ से चरणजीत सिंह, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। औरैया में बेटे ने ही पिता और सौतेली मां की हत्या कर दी तो मुरादाबाद में दोस्त ही दगाबाज निकले। अक्सर करीबी ही जुर्म की साजिश रचते हैं, लिहाजा जरूरत है हर वक्त हर किसी से सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।